टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रही प्रत्यूषा बनर्जी मामले में मुंबई कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रत्यूषा को मरने के लिए उकसाने में उनका हाथ है। प्रत्यूषा ने 1 अप्रैल साल 2016 को अपनी जान दे दी थी। उस वक्त प्रत्यूषा महज 25 साल की थी और उस दौर में टीवी की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर उन्हें उकसाने का आरोप लगा था। एक लंबे समय से इस आरोप को झेल रहे राहुल ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन राहुल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कोर्ट ने न केवल उनकी अर्जी को खारिज कर दिया बल्कि फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल की वजह से ही प्रत्यूषा अपनी जान देने को मजबूर हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर यह साफ पता चलता है कि राहुल ने ही प्रत्यूषा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। कोर्ट ने कहा कि राहुल ने प्रत्यूषा का इतना उत्पीड़न किया कि वो अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी। कोर्ट की तरफ से ये भी साफ कहा गया कि राहुल ने फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली प्रत्यूषा का उत्पीड़न किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई थी। वो इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, लेकिन तब भी राहुल ने उनकी परेशानियां कम करने में कोई मदद नहीं की। इससे साफ है कि राहुल ने प्रत्यूषा को मरने के लिए मजबूर किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रत्यूषा के माता पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली है। प्रत्यूषा के पेरेंट्स ने अपनी इकलौती बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी सारी संपत्ति झोंक दी। प्रत्यूषा के पिता ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग तो पहले से ही ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मर्डर है। अब जाकर सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये केस पिछले 8 सालों से चलता चला आ रहा है। राहुल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। उम्मीद है कि प्रत्यूषा मामले में कोर्ट का मेन फैसला अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। इस फैसले से प्रत्यूषा के फैंस काफी खुश हो गए हैं। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।